दोस्तों नमस्कार, फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं पनवेल महानगर पालिका के सभागृह नेता और बीजेपी के रायगढ़ के यूथ लीडर परेश ठाकुर साहब। आज हम आपसे चर्चा करेंगे बीते साल में पनवेल महानगर पालिका द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में, आगे आने वाले दौर में किस तरह की चुनौतियाँ हैं विकास को लेकर उसके बारे में, और नई प्लानिंग के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सर सवाल आपसे यही है कि साल बहुत ही चुनौतियों भरा रहा है, ये बीता जो 2020 साल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पनवेल महानगर पालिका ने तमाम ऐसे प्रयास किए आपके नेतृत्व में कि जिसे हम रेखांकित कर सकते हैं। बतौर सभागृह नेता क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा रहा बीता साल और किस तरह की उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं? 2020 ये बहुत ही दुर्दैवीय ऐसा था, कोरोना की वजह से। तो हम मतलब बात करें तो मार्च महीने से ही कोरोना जहाँ पे लग गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरे विश्व में यहाँ पे कोहराम छाया हुआ था, और उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो थे वो अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सके, शुरुआत नहीं हो सके। यस, ऐसी स्थिति आ गई है। पनवेल महानगर पालिका जो पहले एक गाँव था, और यहाँ पे पनवेल का आजू ये मुंबई के बाजू में होने के कारण, और उसके साथ इसका ये JNPT साथ में है, या बाकी सब प्रोजेक्ट आजू बाजू में है, थाना बाजू में है, पूना बाजू में है, तो ऐसा इसका जो लोकेशन है इसकी वजह से इसका विकास ये बहुत जोर से हो रहा है। मैं बात करूँ कि विकास नहीं, विकास की जगह अर्बनाइजेशन काफ़ी जोर से चल रहा है, और वो अर्बनाइजेशन को डेवलपमेंट करने का कोशिश यहाँ पे हमेशा हमारे विधायक जी प्रशांत ठाकुर जी इन्होंने किया हुआ है, और इन्होंने ये पनवेल शहर और आजू बाजू का सभी परिसर इसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो। यहाँ पे इसके पहले ये पनवेल म्यूनिसिपलिटी थी, इसके साथ में यहाँ पे PWD है, MSRDC है, और इसके साथ में यहाँ पे JNPT है, सिडको, इतना बड़ा का बड़ा सिडको है, तो इतने सारे यहाँ पे अथॉरिटीज है, तो अथॉरिटीज के साथ काम करना और पनवेल का डेवलपमेंट करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और इसके लिए यहाँ पे हमारे विधायक जी ने फिर हमारे रविंद्र चौहान साहब के साथ में मिलके, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस साहब से मिलके उन्होंने इसका कॉरपोरेशन हो इसके लिए कोशिश किया। कॉरपोरेशन होने के बाद उसका फायदा आज ये हुआ है कि एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे हम सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, पर उसके लिए जो स्टाफ पैटर्न जो मंजूर होना ये आवश्यकता, क्योंकि यहाँ पे पनवेल की आज की कुल लोकसंख्या ये 15 लाख से ज़्यादा है, और उसके लिए यहाँ पे फिर 3000 से ज़्यादा लोग ये मतलब यहाँ पे चाहिए जो अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चला सके, पर इनके पास आदमी लोग की कमी है, और हमें ये एक्सपेक्टेड था कि हमें ये अप्रैल या मई महीने तक ये स्टाफ पैटर्न है वो मंजूर हो के फिर यहाँ पे ऑफिसर लोग आ जाए, और फिर यहाँ पे जो सभी पनवेल का जो रुख है, पनवेल का डेवलपमेंट है जो थोड़ा सा स्लो हो गया है, उसको वो यहाँ पे जोर दे इसके लिए। पर कोरोना की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने सभी जो उनके प्रोजेक्ट्स है, जो उनका काम है, वो सभी काम रुका के उन्होंने कोरोना को उन्होंने यहाँ पे प्राधान्य क्रम दिया, और उसकी वजह से यहाँ पे स्टाफ पैटर्न तो मंजूर हुआ है नहीं, पर उसके साथ में ही यहाँ फिर पनवेल में जो प्रोजेक्ट चालू होने अभी दिखने चाहिए थे वो आपको देख नहीं रहे, ये सबसे बड़ी चीज ये 2020 में हुई है, पर अभी 2021 चालू हो गया है, और ये 2021 के साथ में ही हम यहाँ पे पनवेल का डेवलपमेंट करने के लिए हमने काफी नए नए प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं जो आपको आने वाले वक्त में जरूर दिखने वाले हैं। हम याद करते हैं तो 2018 में आप लोगों के नेतृत्व में, विधायक प्रशांत ठाकुर जी के नेतृत्व में दशमान योजना लॉन्च की गई थी। आपको लगता है सर कि सरकार बदलने के कारण, वो कहीं ना कहीं सरकार बदलने की वजह से उस पर बाधा आ गई और आज वो योजना नहीं सफल हो पा रही है?
यहाँ पे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि ये जो हमने दशमान योजना लाई कि ताकि पनवेल का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से विकास हो सके, पर हमारा ये दुर्दैव है कि यहाँ पे कुछ ऑफिसर ऐसे आए कि जिन्होंने डेवलपमेंट की जगह पे कुछ अलग ही चीजों को उन्होंने प्राधान्य दिया और उसकी वजह से यहाँ पे काफी रुकावटें आई है। जैसे टैक्स अभी तक उन्होंने चालू किया ही नहीं। स्टाफ पैटर्न जो मंजूर यहाँ पे करवाने में वो अक्षम रहे और उसके साथ में ही यहाँ पे फिर बाकी भी काफी सारी बाधाएं थी जो बाधाएं पूरी करने में यहाँ पे हमेशा अभी फिर ये पूरे पिछले 4 साल में दो MLC के इलेक्शंस थे, एक MLA का इलेक्शन, एक लोकसभा का इलेक्शन, तो इसमें ही काफी सारा वक्त इसमें गया और कोरोना की वजह से तो सभी जैसे कुछ वक्त रुक गया हो ऐसा ये पूरा का पूरा नजारा यहाँ पे हो गया और उसकी वजह से हमें काफी चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है। पर मैं आपको बता सकता हूँ कि अगले 1 साल में काफी सारी ये जो योजनाएं थी दशमान योजनाओं में से काफी सारी योजनाएं वो हम पूरा कर सकते हैं और ये आपको दिखेगा अगर आने वाले वक्त में अगर जल्दी से जल्दी स्टाफ पैटर्न अगर यहाँ पे मंजूर हो तो फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा ऐसा व्यवस्थापन, एक अच्छा प्रशासन ये यहाँ पे काम करते हुए भी आपको दिख सकते हैं। सर अगर पनवेल पे गौर करें तो इसका अधिकांश जो इलाका है वो सिडको के एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में आता है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो सिडको तैयार नहीं है विकास करने के लिए। बीच में महासभा में भी इसका मुद्दा उठा था कि पनवेल महानगर पालिका उसका विकास कर रही है। सर सवाल ये है कि क्या जब सिडको विकास नहीं कर रही है तो सिडको को यहाँ एडमिनिस्ट्रेट करने का राइट होना चाहिए? हमारा जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ा दुर्दैव हमारा ये है कि ये जो 4 चुनाव यहाँ आए और मतलब MLC के 2 इलेक्शन, MLA इलेक्शन और MP का इलेक्शन, ये 4 चुनाव की वजह से हमें यहाँ पे काम करने में काफी दिक्कत आई। सिडको पे हमने काफी प्रेशर लाया कि आपने यहाँ पे सिटी खड़ी करनी, मतलब सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करना ये काम नहीं होता है, रास्ते बनाना ये काम नहीं होता है, आपने यहाँ पे मार्केट नहीं बनाए, आपने यहाँ पे कम्युनिटी हॉल नहीं बनाए, आपने यहाँ पे फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें हैं ये आपने बनाए नहीं है, या फिर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिए यहाँ पे सेंटर होने बहुत आवश्यक थे जिसकी वजह से हमारी संस्कृति ये फल फूलती है, बिल्कुल, तो ये भी इन्होंने बनाए नहीं है, तो ये चीजें बनानी आवश्यक थी जो सिडको ने बनाए नहीं है, तो फिर सिडको ये हमें जल्दी से जल्दी दे दे ताकि हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर सके। और देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं तो उन्होंने इसमें काफी सिडको के साथ बार बार इन्होंने बात की थी, काफी प्रेशर लाया हुआ था। अफसोस की बात कि जब ये हैंडओवर होने का जब चल रहा था तभी यहाँ पे इलेक्शन में सत्तांतर हुआ और सत्ता BJP के हाथ में नहीं रही और वापस फिर मतलब अभी सिडको यहाँ पे काफी मनमानी करती हुई दिख रही है। सिडको ने जो जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए वो करती हुई दिखती नहीं है। अब जैसे देख रहे हैं कि खारगर जैसा एरिया जहाँ पे 30 ML से ज्यादा पानी का आज के दिन में शॉर्टेज है, ये सिडको मंजूर ये मानती भी है और उसके साथ में यहाँ पे 42,000 घर है जो वो ला रही है और इसकी मतलब उसके लिए बहुत जोर शोर से काम का चल रहा है, तो ऐसे वक्त में उसके लिए पानी कहाँ से आने वाला है? तो सिडको एग्जैक्टली यहाँ पे बता दी भी नहीं है। चलो वो बताए कि हम पानी का एक बड़ा पानी आपके लिए रिजर्व करने वाले हम करने वाले हैं तो आप उसकी चिंता नहीं करें इसके लिए, और उसके साथ में ही फिर मतलब जो सिडको में बाकी जो एरियाज है तो प्लॉट जल्दी जल्दी हैंड ओवर करें ताकि हमने सिडको को बताया कि आप नहीं कर रहे चलो हम करके देते, आप जल्दी करो तो सही। वो नहीं हैंड ओवर करने में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है, शायद उनको अलग ही चीजों में इंटरेस्ट है और जिसका भुगतान आज पनवेल वासियों को करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज चल रही है। और आज जाके सिडको ने थोड़ा थोड़ा हैंड ओवर चालू किया है पर यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी ये यहाँ पे पानी, उसके साथ में ही सीवरेज लाइन,
गटर लाइन, रोड्स, ये चीजें हैं, ये इन्होंने सिडको ने जल्द जल्दी हैंडल करना जरूरी है, तभी जाके सिडको का जो एरिया है, क्योंकि सिडको का एरिया आज 110 स्क्वायर किलोमीटर में से 82 स्क्वायर किलोमीटर ये सिर्फ सिडको का ही है, 82 या 85 इतना है, तो इतना बड़ा एरिया सिडको का है। और सिडको आज भी अगर मतलब चलो लोगों के बारे में सोचने को तैयार नहीं है तो बहुत ही ये गलत है। और हमने इसके बारे में राज्य शासन के पास हमने हमेशा फरियाद की है, और राज्य शासन इसको सीरियसली ले, इसके लिए हमारे विधायक जी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सिडको के बारे में जो प्राथमिक उसकी जब संरचना की गई थी तो ये कहा गया था कि सिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, शहर बसाएगी, उद्योग बसाएगी। शहर तो बसाया सिडको ने, जितना हो सकता है बसाया, लेकिन जो सुविधा देनी थी वो सुविधा प्रॉपर देने की बजाय, जो नागरी और मौलिक सुविधाएं देने की बजाय, सिडको आज सिर्फ ज़मीनों की सौदेबाजी में लगी हुई है। सिडको का काम मुख्य तौर पर पनवेल महानगर पालिका में वही चल रहा है कि ज़मीन बेचो और पैसा कमाओ। क्या आपको नहीं लगता कि इसी कारण से, इसी कारोबारी माइंडसेट और जो रणनीति है उसी के कारण से जो पनवेल क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, जो पूरी तरह से आज भी सिडको के अधीन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो भी नहीं हो रहा है? जी, आपका कहना एकदम बराबर है, क्योंकि मेरा कहना ये है कि भाई सिडको ने शहर बसाया नहीं, सिडको ने यहाँ पे बिल्डिंग खड़े किए, सिडको ने यहाँ पे रोड डाले, पर सिडको ने यहाँ पे जान नहीं डाली। यस, यहाँ पे कभी भी सिडको ने ये कोशिश नहीं की या कि यहाँ पे कम्युनिटी है वो डेवलप हो, यहाँ पे यहाँ के लोग हैं उनको आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, इसमें वो आगे आ सके, इसमें कुछ अच्छा हासिल कर सके, इसमें सिडको ने कभी कुछ किया हुआ नहीं है। आज जो मॉडर्न एमिनिटीज है जो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि पार्किंग या मतलब चलो रोड, बड़े रोड हो, इसके लिए सिडको ने कभी सोचा नहीं है। यहाँ पे पार्किंग एरियाज हो, इसके लिए सिडको ने कभी सोचा नहीं है। या फिर यहाँ पे सिडको को ये लगता ही नहीं है कि लोगों को रिक्शा की जरूरत होती है या फिर टैक्सी की जरूरत होती है, ऐसा सिडको को कभी लगता नहीं है। सिडको को कभी ये लगता नहीं है कि यहाँ पे मार्केट की जरूरत हो, इसके लिए सिडको ने मार्केट कभी यहाँ पे बसाया नहीं है। मतलब पनवेल नगर पालिका इतना छोटा सा जान, पर यहाँ पे हमारे आमदार साहब, हमारे विधायक जी जब यहाँ पे नगराध्यक्ष थे तो उन्होंने यहाँ पे इतना खूबसूरत ऐसा यहाँ पे ऑडिटोरियम यहाँ पे उन्होंने खड़ा किया, यहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी उन्होंने खड़ी की, अंबेडकर वाचनालय, और इसके जैसे ही यहाँ पे फिश मार्केट खड़ा किया, और इतना बड़ा सिडको जो खुद को इतना बड़ा मॉडर्न ऐसा डेवलपर ऐसा बताती है, तो वो सच्ची में सिर्फ एक डेवलपर के नाम का एक सीधा साधा बिल्डर है, वो ऐसा कोई शहर बसाने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं, और इसकी वजह से ये यहाँ पे आपको दिखते हुए ये दिखता है कि हाँ बहुत बिल्डिंग खड़ी हुई है, यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, नहीं, ये एरिया का डेवलपमेंट करने का कैलिवर बहुत अच्छा है, डेवलप हुआ है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते सर। गाँव को स्मार्ट बनाने के लिए वहाँ पर नागरिक सुविधाएं, जो खासकर मौलिक सुविधाएं भी तमाम गाँव में आज भी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, पीने के लिए ढंग से पानी का इंतजाम नहीं है, विद्यालय नहीं है, ऐसे में जो विजन है प्रशांत ठाकुर साहब का कि गाँव को भी शहरों की तरह स्मार्ट बनाया जाए, वहाँ भी सुविधाएँ दी जाए, उसके लिए आपने योजना तैयार की है, 25-30 करोड़ का आपने प्राथमिक तौर पर उसका बजट भी एलोकेट किया है, मंजूर प्रस्ताव हुए हैं, क्या इसके लिए आपको लगता है कि पनवेल के गांवों को बेहतर ढंग से विकास करने के लिए बड़े बजट और डेडिकेटेड प्लान की ज़रूरत है? जी, इसके लिए पनवेल का खुद का एक ज़बरदस्त ऐसा कैपेसिटी है कि पनवेल, सबसे पहले तो पनवेल का भौगोलिक स्थान ये बहुत ही बढ़िया है, और जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट या फिर पोर्ट है या मुंबई नज़दीक है, नवी मुंबई है, थाना है, या इसके साथ में एक्सप्रेस हाईवे यहाँ तक पनवेल तक आता है, और इसके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से पनवेल में रह के अगर कोई खुद का मतलब खुद को डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी सारे अच्छे ऐसे अवसर है। और इसके लिए पनवेल में 72 रूरल एरियाज हैं जहाँ पे विकास होना बहुत जरूरी है। इसमें से ये 72 रूरल एरियाज में
18 जब हमने म्युनिसिपैलिटी में काम करना चालू किया तो 18 ऐसे रूरल एरियाज थे जहां पे पानी ये पाइपलाइन से नहीं जा रहा था, फिल्टर्ड या ट्रीटेड वाटर ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं था। तो वहां पे हमने फिर उसमें से दो जगह पे हमने मतलब जैसे धानसर और किरौली ये जगह पे हमने आरो वाटर का हमने प्लांट वहां पे लगाया हुआ है। और फिर अभी यहां पे हरित लवाद है, हरित लवाद ने यहां पे रूल कड़क किए हुए हैं। तो बाकी के ये 16 जगह है, 16 जगह पे हम वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ये लगाने वाले हैं। इसके साथ में ये 72 विलेजेस है यहां पे सीवरेज लाइन हो, ड्रेनेज का लाइन हो, इसके साथ में रोड हो, इसके साथ में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल लाइंस हो, इसके साथ में वहाँ पे अच्छे तरीके से पार्किंग लॉट्स हो। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मोबिलिटी हमारे सिटी का अच्छा हो। अगर आपके सिटी का मोबिलिटी अच्छा नहीं है तो फिर यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से सब कुछ बेजार हो सकता है। तो उसके लिए बड़े रोड्स हो, पार्किंग के लिए अच्छे स्पेस हो, इसके लिए हमने यहाँ पे काम करना चालू किया हुआ है। पिछले बजट में हमने 5 रूरल एरियाज में हमने काम चालू भी किए और इस साल में ऑलरेडी हमने 30 करोड़ के काम हमने सैंक्शन किए हुए हैं और उसके साथ में 86 करोड़ के और काम यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो जिसमें यहाँ पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें खारगर, बेलपाड़ा, मुरबी, कामोठा, नौपाड़ा, जुई, इसके साथ में ही और नावड़े और इसके साथ और बाकी के भी काफी विलेजेस है। मतलब आप पकड़ सकते हैं कि ये 72 सारे 72 विलेजेस में अब यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छी लेवल पे आ सके और वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको भी उनका विकास करने का उतना ही अवसर मिले जितना वो शहर में खारगर में हो या फिर कोई भी एरिया दूसरे इलाके में भी वैसा ही अवसर वो एरिया की इतना मिले। इसके लिए हमने प्लान बनाया हुआ है और हमने उसके लिए ये 86 करोड़ का है। उसके लिए अभी अगला आने वाला जो विशेष सभा है उसमें हम मंजूरी लेने वाले हैं और 29 करोड़ और 55 लाख का हमने ऑलरेडी मंजूरी लिया हुआ है और उसके साथ में ही पनवेल शहर में भी हम उसी तरीके से यहाँ पे 36 करोड़ के हम काम ला रहे हैं जिसमें फिर लेक डेवलपमेंट है, मतलब पॉन्ड डेवलपमेंट है और उसके साथ में ही हमने फिश मार्केट ये पनवेल का फिश मार्केट ये बहुत ही ज्यादा तरीके से ये यहाँ पे प्रसिद्ध है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैरायटीज की यहाँ पे फिश मिलती है। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पे कस्टमर फिश लेने के लिए आते हैं तो उनको अच्छी क्वालिटी की फिश हाइजीनिक कंडीशन में उनको मिले और उसकी और मतलब इसके लिए हम ये फिश मार्केट का हम वापस मतलब चलो रीडेवलपमेंट हम कर रहे हैं और उसके साथ में ही हमने शहर में और कंक्रीट के रोड्स हो और यहाँ पनवेल वासियों को यहाँ पे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उनको मिले इसके लिए हम ये अभी ये साल में ये अगले विशेष सभा में हम ये काम यहाँ पे मंजूर करवा के ले रहे हैं ताकि ये साल में ही काम चालू हो सके। और हमने जो दशमान योजना हम जो बता रहे उसमें अच्छी तरीके से मतलब आपको दिख सके, आपको भी दिखेगा कि काफी सारे काम यहाँ पे चालू हो गए। आपने खुद ही पहले जिक्र किया कि पनवेल मनपा क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है, जो डिमांड है उसके हिसाब से काफी, अभी जैसे आप खुद बता रहे थे कि पनवेल खारगर में ही 30 MLD पानी कम दिख रहा है। पनवेल के तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी के लिए आंदोलन होते रहे हैं लेकिन कभी भी इसका प्रॉपर समाधान अभी तक फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो ये कब तक पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा? यहाँ पे पनवेल में फिलहाल ये तो जरूर है कि 70 MLD का टोटल यहाँ पे शॉर्टेज है पानी का और ये शॉर्टेज पूरा हो सके इसके लिए सबसे पहला तो नावा शिवा वाटर सप्लाई स्कीम ये जो है ये यहाँ पे मंजूर करवा के ली हुई है तो जिससे यहाँ पे 30 MLD का पानी है ये यहाँ पे कंप्लीट हो सके। इसके साथ में ही सिडको से हमने
हेटौने डैम से यहाँ पे पानी और सप्लाई मिल सके इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में ही ये मोरबे डैम जो है तो जो थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ से भी यहाँ पे पानी मिल सके इसके लिए हमने एग्रीमेंट भी हमने उनके साथ किया हुआ है कि वहाँ पे वहाँ के लोगों को यहाँ पे काम पे लिया जाए और उसके मतलब वहाँ पे उनको जॉब दिया जाए म्यूनिसिपैलिटी में। उसके साथ में हम पेमेंट भी कर रहे हैं ऐसा इस तरीके का ठहराव जो है वो ये इस तरीके का बिल हमने यहाँ पे मंजूर भी किया हुआ है और 2045 तक यहाँ पे पानी का जो डिमांड है वो पूरा हो सके इसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट से कोंडाना डैम से हमें पानी मिल सके इसके लिए हमने डिमांड की हुई है और अभी तक उसके लिए कुछ खास इसमें कुछ इतना आगे प्रगति नहीं हो पाई, प्रगति हुई दिख नहीं रही है, पर हमने गवर्नमेंट से हम बार बार यहाँ पे हम जरूर करेंगे, जरूरत गिरी तो हम कोर्ट पे भी जाएंगे, पर यहाँ पे पनवेल का भविष्य ये उज्जवल हो ये इसके लिए हम जरूर कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे भी। नवी मुंबई में सिडको के खिलाफ एक मुहिम चल रही है कि अब नवी मुंबई को लैंड फ्री कर देना चाहिए, सिडको के आधिपत्य से मुक्त कर देना चाहिए। क्या पनवेल में इस तरह की कोई मांग उठ रही है कि जब ये प्राधिकरण, ये सवाल इसलिए है कि जब प्राधिकरण काम नहीं कर रहा है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या है, तो ऐसे प्राधिकरण को पनवेल में रहने की ज़रूरत क्या है? क्या नवम्बई की तरह पनवेल में भी सिडको से मुक्त होने का कोई अभियान चल रहा है या कोई डिमांड चल रही है क्या? मुझे सबसे बड़ा तो सिडको के बारे में मुझे यही पता नहीं चलता कि सिडको ये एडमिनिस्ट्रेशन को कब सीरियसली लेगी, क्योंकि जहाँ पे आप देखेंगे कि 5 लाख से ज़्यादा अगर लोग हो तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रमोटेड आईएएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर ये बिठाया जाता है जो वहाँ पे एडमिशन कर सके। ये जो यूपीएससी एग्जाम पास होके ये या एमपीएससी एग्जाम पास होके जो आए हुए होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। सिडको तो सिर्फ जो आदमी इंजीनियर है जिसको सिविल इंजीनियरिंग का जिसको बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिठाया जाता है, तो ये तो मुझे समझता नहीं है। तो एक्चुअली सिडको ने भी ये खुद में प्रावधान रखा हुआ है कि जैसे एक शहर है, शहर में वो फैसिलिटी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज खड़ी करे और खड़ी करने के बाद में फिर वहाँ से आपका जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो म्यूनिसिपैलिटी होगा उसको वो एडमिनिस्ट्रेशन सौंप के वो वहाँ से निकल जाए। पर सिडको यहाँ पे एक अलग ही इंटरेस्ट लेते हुए दिख रही है जिसकी वजह से लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और फिर यहाँ पे जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को सुविधाएं भी नहीं मिल रही है और उसके साथ में ही सिडको निकलना भी नहीं चाहती। ये सिडको क्यों नहीं निकलना चाहती ये तो सबको इस पर मतलब चलो इस पे आश्चर्य होता है और इसका जवाब भी सबको पता है कि इसका जवाब क्या है। सर डेढ़ साल हो गया अभी देखिए कोई वहाँ लोक प्रतिनिधि नहीं है जब से सरकार भाजपा की वहाँ से हटी है, लेकिन पूरा सिडको ना वहाँ चेयरमैन है ना वहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, तो ये सीधे तौर पर नहीं लगता है कि सिडको सिर्फ जो सरकार राज्य सरकार है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के जरिए अपना एजेंडा चलाना चाहती है और लोक प्रतिनिधि कानून की अवहेलना कर रही है। जी जरूर मुझे तो यही लगता है क्योंकि सिडको का 50 साल का अगर इतिहास हम देखें तो 50 साल के इतिहास में यहाँ पे जिससे यहाँ के सारे सवालों के बारे में समस्याओं के बारे में जिसका अभ्यास होता है ऐसा कौन हो सकता है? तो स्थानिक हो सकता है या आजू बाजू के एरिया में रहने वाला, तो पर मतलब इसमें स्थानिक एक आदमी हो तो फिर उसको यहाँ के समस्याओं के बारे में बहुत अच्छा ऐसा ज्ञान होता है। ऐसा आदमी पूरे 50 साल में सिर्फ प्रशांत ठाकुर यही यहाँ पे मिले हुए हैं और ऐसे स्थानिक यहाँ पे नहीं हो ताकि उनको यहाँ पे सिडको को कोई परेशान नहीं करे, उनको कोई पूछे नहीं कि ओ भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा ही सिडको को लगता है। और ये जो उनका तरीका है सिडको का ये बहुत ही गलत है और इसकी वजह से यहाँ पे जो स्थानिक आदमी है यहाँ का तो उसको क्या चाहिए या ये सिटी बढ़ मतलब चलो ये सिटी का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सके इसके लिए
जो सोचने वाला आदमी चाहिए ऐसा, मतलब चलो अभी तो ऐसा हो गया कि स्थानिक नहीं पर बाहर का भी कोई नहीं है, तो इस तरीके से सिड़को अगर चल रही है तो इसका भुगतान तो हम जैसे सभी पनीवासियों को ही करना होगा, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्दैव है। सर, नवीनभाई एयरपोर्ट को लेकर आजकल खूब विवाद चल रहा है, आपकी भी नज़र में आया होगा कि शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने नवीनभाई एयरपोर्ट को बनने से पहले ही उसके नामकरण की शुरुआत करवा दी है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि नवीनभाई एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाए। आपकी सहयोगी पार्टी हरिपाई और आप लोगों का कहना है कि दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए। एक यूथ लीडर के तौर पर आपकी क्या राय है सर, किसका नाम नवीनभाई एयरपोर्ट को दिया जाना चाहिए? जी, इसमें तो मेरी स्पष्ट राय है और सारे यहाँ पे नवीनभाई वासियों की राय यही है कि माननीय हमारे दिवंगत दीपा पाटिल जी, इनका ही नाम होना चाहिए। दीपा पाटिल जी ने जिस तरीके से यहाँ पे एग्रीटेशन किया और यहाँ के जो प्रकल्पग्रस्त है या स्थानिक है उनके हित में इन्होंने जो यहाँ पे लड़ा दिया, तो उसकी वजह से ये स्थानिक खड़े हो सके। और माननीय दीपा पाटिल जी, इन्होंने यहाँ पे जो 12.5% का 12.5% का डेवलप्ड प्लॉट का इन्होंने जो सिस्टम इन्होंने आगे लाया, आज वो पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह पे ये पैटर्न है, ये आजमाया जाता है। तो ये सिस्टम, मतलब अगर ये मतलब चलो पूरे देश में गया है, इसका मतलब दीपा पाटिल साहब का जो काम करने का तरीका था वो पूरा नेशनल लेवल का था, ये हमें दिखता है। यहाँ पे जिस तरीके से बात की जाती है कि नहीं दीपा पाटिल साहब ये एकदम ये तो लोकल लीडर थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उनका नाम देना फिर कितना सही होगा, तो नहीं, दीपा पाटिल साहब का काम करने का तरीका ये यहाँ पे पूरे देश ने इसको हमेशा मतलब चलो यहाँ पे सहारा है, हमेशा इसके बारे में अच्छा ही बोला गया है। और हम बाकी के एग्रीटेशन देखते हैं, इसमें लोगों को तकलीफ दी जाती है, कोई जाके रेलवे बंद कर देता है, कोई जाके रास्ता बंद कर देता है, कोई जाके यहाँ पे शांतता है वो उसका भंग करता है। दीपा पाटिल साहब ने कभी भी यहाँ पे आम आदमी को तकलीफ हो सके इसके लिए कभी भी ऐसा काम किया नहीं है। उनका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा ऐसा था और वो पूरा राष्ट्र स्वरूप का ऐसा काम था जिसको पूरा राष्ट्र यहाँ पे आदर्श करके लेता है। तो ऐसे आदर्शवत नेता का ही नाम इस एयरपोर्ट को आना चाहिए। हमारे बाला साहब ठाकरे, इनका नाम तो बहुत बड़ा है पर आज हम देखते हैं कोई भी प्रोजेक्ट हो ये नवीनभाई में क्यों आता है, बाहर क्यों नहीं जाता? कोई भी प्रोजेक्ट होता है, पालघर, बोईसर या फिर अलीबाग या कोकण, यहाँ पे जाता नहीं है। वहां पे कोई प्रोजेक्ट जाए तो मोर्चा निकलता है कि बाबा नहीं, हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। कोई प्रोजेक्ट फिर नवीनभाई में आता है, हम कहते हैं भाई हमें प्रोजेक्ट चाहिए, हमें प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारा अगर खुद का अगर यहाँ पे डेवलपमेंट करना है तो प्रोजेक्ट की जरूरत है। और ऊपर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल होंगे उनका यहाँ पे क्या किया जाने वाला है, उनको किस तरीके का पैकेज दिया जाने वाला है, इसको हमेशा महत्व दिया जाता है। और ये तरीका है वो दीपा पाटिल साहब ने यहाँ पे लाया हुआ है, तो उसकी वजह से ही यहाँ पे आज कोई भी प्रोजेक्ट अगर नवीनभाई में आए ऐसे आपको चाहिए तो यहाँ के लोगों का ये सोचने का जो तरीका है वो भी दीपा पाटिल साहब ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसके लिए ये जो एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का ही नाम होना चाहिए। सर, दो तीन सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ। नवीनभाई महानगर पालिका के चुनाव अभी कुछ ही चंद दिनों में होने वाले हैं, हो सकता है अगले महीने में घोषणा हो जाए उसकी। बीजेपी वहाँ पर गणेश नाई के नेतृत्व में फिलहाल में अभी सत्ता में रही है और अब शिवसेना और एनसीपी महागाड़ी की जो टीम है वो बीजेपी को तोड़कर वहाँ पर अपने हिसाब से अपनी सत्ता महागाड़ी की कायम करना चाहती है, बहुत सारा तोड़फोड़ चल रहा है। क्या नवीनभाई महानगर पालिका चुनाव का असर पनवेल महानगर पालिका पर पड़ेगा? यहाँ नवीनभाई मतलब कौन, तो गणेश नाईक जी। गणेश नाईक जी ने जो विजन दिखाया
आज नवंबरी जो खड़ी हो सकी है वो उसकी वजह से हो सकी है। आज महाराष्ट्र में कितने सारे नए सेंटर्स है जो खड़ा होने का, मतलब जो बड़े होने का कोशिश कर रहे हैं, फिर उसमें पिंपरी चिंचवड़ होगा या नासिक होगा और ऐसे वसई विरार होगा और ऐसे काफी सारे सेंटर्स है जो बड़े होने का कोशिश कर रहे हैं, पर नवंबरी ने आज बड़ा नाम किया हुआ है। उसका कारण ही है गणेश नाइक साहब का विजन और उसकी वजह से ही आज नवंबरी का इतना विकास ये हो सका है। आज यहाँ पे अगर यहाँ पे नवंबरी में कोई आ सकता है तो यहाँ पे गणेश नाइक साहब का ही यहाँ पे, मतलब चलो वही चुन के आ सकते हैं। उनके उन्होंने जो यहाँ पे जो कैंडिडेट दिए हुए हैं, बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिए हुए हैं वही चुन के आ सकते हैं। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी उसका डंका तो बहुत बज रहा है, पर ये सिर्फ डंका है, सभी लोग जानते हैं कि गणेश नाइक साहब ने ही इस नवंबरी को दिशा दी है। आज नवंबरी बड़ी हुई है या नवंबरी के लोग हैं वो बड़े हुए हैं, तो उसके लिए गणेश नाइक साहब ही है उसके लिए जिम्मेदार और उसकी वजह से यहाँ पे कोई विकास आघाड़ी होकर नवंबरी में आ सकती है ऐसा मुझे 1% भी नहीं लगता। ये सिर्फ बड़ा डंका है और यहाँ पे विजय नाहटा साहब ये काफी क्वालिफाइड ऐसे पॉलिटिकल लीडर है और उनका व्यक्तिगत ऐसा करिश्मा है जिसकी वजह से आज हम सोचने के लिए ये मजबूर हो गए हैं। पर जब गणेश नाइक साहब की बात आती है तो गणेश नाइक साहब जिस तरीके से आज नवंबरी को पूरे देश में काफी चीजों में देश में नंबर 5 में यहाँ पे नवंबरी को लिया जाता है, तो सभी लोगों को ये तो पता है कि नहीं ये चीज हुई है गणेश नाइक के साहब की वजह से ही हुई है। तो मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन में गणेश नाइक साहब ही यहाँ पे जीत सकते हैं और गणेश नाइक साहब ने जो यहाँ पे कैंडिडेट दिए हुए हैं, बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिए हुए हैं वही यहाँ पे जीत सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे यकीन है। लेकिन पनवेल के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, अगर मान लीजिए भाजपा जीतती है तो निश्चित तौर पर हौसला बढ़ेगा बीजेपी का, पनवेल में भी हौसला बढ़ेगा। यहाँ पे अगर नवंबरी में बीजेपी आती है तो फिर यहाँ पनवेल वासियों को यहाँ पे उसका काफी अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर पनवेल में बीजेपी है और नवंबरी में बीजेपी है तो फिर अभी एनएमटी है और उसके एनएमटी के थ्रू यहाँ पे काफी ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं मिलती है। इसके साथ में ही एनएमसी का जो पानी का उनका लाइन है उसकी वजह से कामोठा में काफी एरिया में पानी दिया जाता है। इसके साथ में ही काफी सुविधाएं हैं जो एनएमसी की वजह से पनवेल को मिलती है और उसके साथ में ही एनएमसी एरिया में काम करने वाले जो लोग हैं वो पनवेल में रहते हैं, तो ये तो ट्विन सिटी है और पनवेल पे नवंबरी में जो हो रहा है उसका असर पनवेल में गिरेगा ही, पनवेल में जो हो रहा है उसका असर नवंबरी में गिरेगा ही। पर तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे बीजेपी रहे तो पनवेल को हमेशा फायदा ही होगा। सर क्या आप मानते हैं कि जो सत्तारूढ़ अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो उन महानगर पालिकाओं में विकास के कामकाज में रोड़ा अटका रही है जहां बीजेपी की सत्ता है? जैसे मुंबई में गणेश नाइक का जब यहां पर पार्टी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया उसके बाद सारे काम ठप हो गए थे, पनवेल में किस तरह का अनुभव है? चूंकि आप डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं पनवेल महानगर पालिका को, तो क्या सत्तारूढ़ जो महागाड़ी सरकार है उसका कहीं उसकी कहीं बाधा है क्या विकास कार्यों में? हमारे पनवेल का एक सबसे अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है और उसकी वजह से हम जब काम करते हैं म्यूनिसिपैलिटी में हमें विरोधी पक्ष का भी एक अच्छा यहाँ पे हमें कोऑपरेशन मिलता है, जो है वो तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं मुझे तो नहीं लगता है कि पनवेल में विरोधी पक्ष कुछ है, बचा भी होगा। एक तो विरोधी पक्ष बचा ही नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय यहाँ पे हमारे एक्स सीएम हमारे फडणवीस साहब है या चंद्रकांत पाटिल जी है या हमारे रविंद्र चौहान साहब हमारे है या और उसके साथ में हमारे विधायक जी प्रशांत ठाकुर दादा है और उसके साथ में महेश बाल्दी, इनका काम और हमारे सबके नेता माननीय रामसेठ ठाकुर जी, इनका यहाँ पे जो खुद का करिश्मा जो है तो उसकी वजह से यहाँ पे एक तो अपोजिशन ये यहाँ पे
बहुत ही कम बाकी रह गया है के बराबर और जो है उनका कॉपरेशन हमें मिलता है। तो ये मैं वापस कहूँ कि उनका हमें कॉपरेशन अच्छा मिलता है। यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे पॉलिटिक्स कभी दिखता नहीं है और हम भी यहाँ पे उनको साथ में लेके ही हम काम करते हैं ताकि हम पनवेल के बारे में सोच सके, ना कि सिर्फ किसी कुछ लोगों के बारे में। यस, थोड़ा सा पनवेल महानगर पालिका पे गौर करें तो अगले साल में संभावित है चुनाव पनवेल महानगर पालिका के। जाहिर सी बात है आप लोग विकास के तमाम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब अगले साल का रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो उसमें पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र की कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां उसमें शामिल होंगी जो आप लोगों के नेतृत्व में विकास के रूप में सामने दिखेंगी? जब यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ 2017 में और हम चुन के आए, तो मुझे यहाँ पे दो सबसे बड़े यहाँ पे एरियाज ऐसे दिख रहे थे जहाँ पे काम करना जरूरी था। एक था सिडको, जहाँ पे बहुत ही जरूरी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं जो सिडको ने दी नहीं है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, और उसके साथ में ही ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया जहाँ पे काफी काम करना जरूरी है। तो ये दो एरियाज हमें मुझे दिखे और हमने उस पर काफी अभ्यास किया और उसमें काम करना हमने चालू किया। हमारा ये दुर्दैव है कि हमें सिडको एरिया में ज्यादा काम करने के लिए हमें स्कोप मिला नहीं। चलो हमें यहाँ पे सबसे पहला चीज तो ये था कि सिडको एरिया में यहाँ पे इंक्रोचमेंट काफी थे, तो उसकी वजह से फुटपाथ ये होते हैं लोगों को चलने के लिए, पर ये बिल्कुल वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे फुटपाथ चलने के लिए। तो हमने यहाँ पे अतिक्रमण जो थे, अतिक्रमण मुहिम यहाँ पे हमेशा हमने अपने जोर शोर से चलाई हुई है, जिसका फायदा आज सिडको परिसर के लोगों को हो रहा है। और उसके साथ में ही जो यहाँ पे कचरे का जो पहले था, तो जब सिडको के पास में कचरे की जिम्मेदारी थी और जब उन्होंने पनवेल महानगर पालिका के पास सौंपी, तो दोनों में फर्क क्या है वो सिडको एरिया के लोगों को भी दिखा कि पनवेल महानगर पालिका काम करने का तरीका कितना अच्छा हो सकता है, मतलब क्या उन्होंने सोचा था और कितना अच्छा यहाँ पे कितनी अच्छी उपलब्धि उनको यहाँ पे हुई है। तो आज पनवेल बहुत ही साफ आपको दिखता है। ये पनवेल जहाँ पे काफी मतलब चलो कचरा कूड़ा दिखता था, दूसरे साल में ही ये पनवेल पूरे भारत वर्ष में 85th नंबर पे आया था साफ सफाई में, और अभी वो सारे 3,500 शहरों में ये 20वें नंबर पे पिछले साल में आया। तो ये उपलब्धि पनवेल महानगर पालिका की थी। और उसके साथ में अगले इसमें फिर रूरल एरियाज में हम वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब वहाँ पे सीवरेज लाइन, वहाँ के ड्रेनेज लाइन, वहाँ के रोड्स, वहाँ के इलेक्ट्रिकल लाइन्स अंडरग्राउंड करना, उसके साथ में ही वहाँ पे प्लॉट डेवलपमेंट करना, ये काम हम करने वाले हैं। अब हमें वहाँ पे आपको बहुत जोर शोर से काम होते हुए दिखेगा और हमारी कोशिश है कि सिडको हमें जल्द से जल्द उनका एरिया हमें सौंपे। हमने बहुत ही एग्रेसिव ऐसे स्टेप्स लेने के हमने सोचे हुए हैं जो सिडको के साथ हम ले सके। सिडको के पास हमने 300 प्लॉट्स की हमने डिमांड की हुई है, जिसमें मार्केट प्लॉट्स है या कम्युनिटी कम्युनिटी सेंटर्स है, या उसके साथ में ही गार्डन प्लॉट्स है, प्लेग्राउंड प्लॉट्स है, और उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे प्लॉट्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे बिल्डिंग्स आ सके। तो इसकी मांग की है। आज हमें उन्होंने 46 प्लॉट्स उन्होंने हैंडओवर किए हुए हैं, जिन पे काम करने का प्रस्ताव वो अभी अगले हफ्ते में, उसमें से 17 जगह पे हम ला रहे हैं क्योंकि बजट का काफी बड़ा हमें कंस्ट्रेंट है। बजट भी हमें करना है, पर अगले बजट में हम काफी बड़ा निधि इसके लिए हम रखने वाले हैं ताकि सिडको एरिया में भी हम वहाँ पे अच्छे से अच्छे सर्विसेस हम दे सके। सर 4-5 सवाल मेरे रैपिड फायर के रहेंगे। क्या हम उम्मीद करें कि 2022 में महानगर पालिका पनवेल की उसकी जब महासभा होगी तो किसी नाटक घर में नहीं होगी बल्कि अपनी बिल्डिंग में होगी? नहीं,
ये दुर्दैव हमारा कि यहाँ पे सिडको ने सिडको को इसके लिए पैसा भर के भी मतलब 22 करोड़ रुपया शायद 22 या 28 करोड़ ये उनको दे के भी एक साल उन्होंने हैंडओवर किया नहीं और अभी तक हाथ में आया नहीं है, मतलब 2 साल माफ कीजिए कोरोना ने हमारा पूरा वक्त खाया हुआ है, तो 2 साल निकल गए तो पर बहुत ही जल्द वो पूरा हो सके 2022 नहीं पर 2024 में तो हम हमारे खुद के हाउस में जाके हम काम कर सके, इसके लिए हम कोशिश। सर अगर आपको सुपर पावर दे दिया जाए तो आप पनवेल के लिए एक चीज क्या करना चाहेंगे जो इसका नाम पूरे हिंदुस्तान में हो जाए? हम यहाँ पे पनवेल में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ये काफ़ी अच्छे लेवल में हम लाना चाहते हैं और उसके साथ में ही यहाँ पे बिजनेस के लिए अगर हम यहाँ पे अवसर तो हम यहाँ पे पैदा कर सके जिस तरीके से पिंपरी चिंचवड को हम देखते हैं तो फिर मुझे फिर यकीन है कि पनवेल का नाम पूरा पूरी इंडिया में ये अव्वल नंबर में आ सकता है। एक चीज क्या करना चाहेंगे अगर एक दिन का आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे सर? जी नहीं, मैं पनवेल के लिए बना हूँ, मुझे पनवेल में ही काम करना है। 2025 में पनवेल को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? पनवेल एक यहाँ पे एक अच्छा अवसर जहाँ पे लोगों को मिले, लोग खुद को डेवलप कर सके, उन खुद को हर क्षेत्र में खुद का प्रगति कर सके, ऐसा ये ऐसे शहर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं ताकि ये पनवेल में रहने वाला आदमी ये बड़ा हो सके। इसके लिए जैसे पुणे है या जैसे यहाँ पे मुंबई है, यहाँ जहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके रहते हैं, तो वैसे ही पनवेल एक अच्छा ऐसा शहर हो जहाँ पे सबको अवसर मिले। अगर ऐसा होता है तभी जाके पनवेल इस भारतवर्ष में एक महान शहर करके आ जा सकता है। रामसेठ ठाकुर साहब यहाँ के सांसद रह चुके हैं, उनके पास काफ़ी दीर्घ राजनीतिक अनुभव है, समाज का अनुभव है और विकास को उन्होंने अपनी नज़र से देखा हुआ है। प्रशांत ठाकुर साहब यहाँ के विधायक हैं, नगराध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने जो विजन तैयार किया है पनवेल को लेकर, आप इन दोनों जो अपने परिवार के आपके मार्गदर्शक हैं, आप उन दोनों के विजन को किस तरह से देखते हैं और उसको ड्राइव देते समय आपको सबसे बड़ी चुनौती किस चीज़ की होती है? रामसेठ ठाकुर जी का सबसे बड़ा खासियत यह है कि आम आदमी को उसका भविष्य अच्छा करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए जो संवेदनशीलता की ज़रूरत है और उसके साथ में ही और उनको ये अच्छी तरह से पता है कि लोगों की ज़रूरतें ये बड़ी होती नहीं है, छोटी छोटी ज़रूरतें होती है और वो छोटी छोटी ज़रूरतें वो भी अगर हम पूरी कर सके, पूरी करने के लिए कोशिश करें तो फिर वो मतलब आसमान की बुलंदियों को वो छू सकते हैं, इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं। उनका हमेशा कोशिश ये रहा है कि उनका जो फैमिली था वो एक पुअर फैमिली था तो और एजुकेशन की वजह से उनको वो बड़ा हो सके, खुद को डेवलप कर सके, तो यही अवसर लोगों को मिले इसके लिए वो हमेशा एजुकेशन फील्ड में वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम खर्चे में एक बहुत अच्छे तरीके का ऐसा उनको शिक्षा मिले जिसकी वजह से आज जिस शिक्षा का फायदा उनको खुद को डेवलप करने के लिए हुआ है वैसे ही वो बाकी लोग भी बड़े हो सके, ये उनका विजन है। और उसके साथ में ही माननीय प्रशांत दादा है तो उनका सोचने का तरीका यही है कि यहाँ पे पनवेल वासियों को एक अच्छी ऐसे यहाँ पे पायाभूत सुविधा ये मतलब यहाँ पे सुविधा कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर उनको अच्छी तरीके की सुविधाएं अगर उनको मिलती है तो और यहाँ पे वो खुद का डेवलपमेंट करने के लिए और अच्छा ऐसा यहाँ पे वातावरण अगर वो दे सके तो फिर मतलब यहाँ पनवेल का नाम बड़ा हो सकता है, इसके लिए हमेशा वो कोशिश करते हैं एक भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ ऐसा एक चारित्रवान ऐसा आदमी जो लोगों के दर्द में दुख में दर्द में और खुशी में सब वक्त में दौड़ के जाता है, उनके साथ खड़ा होता है, उनके साथ हमेशा कम्युनिकेशन के लिए हमेशा वो तैयार होता है, जिसकी वजह से किसी भी आदमी को खुद को बड़ा करने के लिए
एक अच्छी प्रेरणा मिले, इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं। ऐसे दो विजनरी नेता आज मुझे मिले हैं जिनके संपर्क में रह पे, जिनके साथ रह के मैं खुद को भी इस तरीके से खुद को काबिल करना करने की कोशिश करूं, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। सर आखिरी सवाल, किसी भी सिटी को अगर परखना है या उसके विकास का अगर पैरामीटर अगर देखना है तो 24 घंटे पानी, घन कचरा व्यवस्थापन, अच्छे शौचालय, अच्छे विद्यालय, उद्यान और आरोग्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए। क्या उम्मीद हम आपसे करें कि ये पनवेल जो है, जो मैंने पैरामीटर्स गिनाए हैं, इन पैरामीटर्स में कब तक खरा उतर सकता है, यहाँ पर कब ऐसा वक्त आएगा जब ये सारे पैरामीटर्स पर पनवेल नंबर वन होगा? इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें और सिर्फ मतलब चलो 2 से 3 साल की ही ज़रूरत है। अगर 2 से 3 साल हमें मिले और हम यहाँ पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दे सके, म्यूनसिपैलिटी के थ्रू एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम दे सके तो ये सभी पैरामीटर्स आपके हैं, ये पैरामीटर्स पूरे हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हम जिसके बारे में हम बात हमने ज्यादा की नहीं, उत्तम शिक्षा की, तो यहाँ पे जिला परिषद के पास से अभी तक ये स्कूल जो है, ये स्कूल अभी तक हैंडओवर हुए नहीं है। अच्छा, तो उसमें भी हमें आगे उसमें काम करने के लिए मिला हुआ नहीं है। सिडको ने यहाँ पे अभी तक हैंडओवर किया नहीं है, इसकी वजह से हमें ज्यादा काम करने को मिला नहीं है। पर अभी ये मैं जिला परिषद का मैं चीज छोड़ू तो बाकी की चीजें हैं, तो इसमें सिर्फ 2 से 3 साल में हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे यकीन है। और शिक्षा की मैं बात करूँ तो जैसे हैंडओवर हो वैसे उसके भी अगले 3 साल में आपको पनवेल का नाम शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छे स्तर पे आपको दिख सकता है। युवाओं के लिए किस तरह की भूमिका आपकी रहेगी, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवाओं को यहाँ पे हम काफ़ी अवसर हम देना चाहते हैं, यहाँ पे अच्छी तरीके से इनको कम्युनिटी सेंटर्स उनको मिले जहाँ पे खुद को वो आर्ट एंड कल्चर में वो खुद को अच्छा कर सके। इसके साथ में ही हम यहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर्स, यहाँ पे मोर देन 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम देना चाहते हैं जहाँ पे वो स्पोर्ट्स में भी खुद को बड़ा कर सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी खुद की खड़ी करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिसकी वजह से सिर्फ पनवेल में रहने वाले नहीं, बाहर के भी लोग यहाँ पे पनवेल में आके काम कर सके, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो युवाओं को पनवेल में बहुत अच्छे मौके हैं और इसका लाभ युवाओं ने जरूर उठाना चाहिए, ऐसा मैं युवाओं को यहाँ पे मैं अपील करूँगा। आप अपनी नज़र में क्या विजन रख रहे हैं 2022 का? 2022 में हमें पनवेल का पनवेल में अच्छे रास्ते हों, यहाँ पे जो सेंट्रल ने जो सेंट्रल के गाइडलाइंस है कि हर यहाँ पे आदमी को 135 लीटर पर पर्सन, ऐसा ये है। आज सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा 150 लीटर पानी मिलता है, 135 लीटर पानी मिले इसके लिए हम यहाँ पे टारगेट हमने रखा हुआ है। और आज के दिन में वो मोर देन 90 लीटर्स तो है, पर हमें वो ज्यादा से ज्यादा हमें मतलब चलो आगे लेके जाना है। इसके साथ में ही हमें यहाँ पे अच्छे प्लेग्राउंड्स, अच्छे गार्डन्स, अच्छे मार्केट एरियाज जहाँ पे वो जाके हाइजीन फूड ले सके और उससे उनका घर अच्छी तरीके से चल सके, उनको अच्छी तरीके के ऐसे मतलब यहाँ पे रोजगार के अवसर ये सब देने के लिए हम यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। और 2022 में इसमें हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे पाया हुआ आपको दिख सकता है। सर बहुत बहुत थैंक यू, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका विजन है, जो आपका संकल्प है, निश्चित तौर पर उसके अनुसार ही पनवेल का विकास होगा और समस्याओं का समाधान होगा और अगले 2022 से लेकर 2025 के बीच में पनवेल विकास की नई बुलंदियों को चूमेगा और नई पहचान पूरे देश भर में कायम करेगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, TV1 इंडिया।
नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।